तो जैसा कि आप देख रहे थे GTA 5 के नए वाले फैन मेड वर्जन के अंदर आ चुके हैं। और ये जो फैन मेड गेम है ये बाकी के अंदर काफी डिफिकल्ट होने वाला है। गाइस मैं इस वीडियो के अंदर एक नहीं दो फैन मेड वर्जन का रिव्यू देने वाला हूं। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का गेम निकल गया था वो है GTA पोटेटो। गाइस अगर इस गेम की ग्राफिक्स की बात की जाए तो ये गेम GTA 5 से कम नहीं है। और इसकी सिटी की बात की जाए तो इस गेम की आधी से ज्यादा सिटी 2D में और ज्यादा से कम सिटी 3D में है। गेम के फीचर्स की बात की जाए तो गेम के अंदर कुछ कमाल के फीचर्स है जिसे आप यूज करके गेम को एंजॉय कर सकते हो। और गेम के साइज की बात की जाए तो गेम का जो साइज है वो 350 MB के आसपास रहने वाला है। इस लिस्ट के नंबर 2 फैनमेड गेम की तरफ आते हैं जिसका नाम है GTA VIA बीटा 1.3। तो इस गेम के अंदर आप बॉडी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात की जाए तो इस गेम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके हद से ज्यादा ग्राफिक्स दे दी गई है जिसकी वजह से मुझे ये गेम इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बुरा भी नहीं लगा। अगर इस गेम के एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस गेम के अंदर आपको एक कार देखने के लिए मिल जाती है जिसे आप एक स्मॉल सिटी के अंदर ड्राइव कर सकते हो विथ नाइट्रो बूस्टर। अगर इस गेम की साइज की बात की जाए तो इसका साइज 350 MB के आसपास रहने वाला है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मैं मिलता हूँ GTA 5 को मोबाइल में प्ले करते हुए एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।